हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैंने एक व्लॉग बनाया है जिसमें मैंने एक छोटा व्लॉग बनाया है कुकिंग का। तो अभी जैसे कि क्वारंटीन टाइम है तो हम लोग कुछ नहीं, एक छोटा थोड़ा बारबेक्यू कर रहे हैं और साथ में मैंने अपना गार्डन का, जो यहाँ पर हमारा नेदरलैंड्स में जो घर है, तो यहाँ पर मैंने गार्डन व्लॉग किया है। तो होपफुली आपको अच्छा लगे, तो चलिए देखते हैं। मिट्टू क्या कर रही है? चिप्स खा रही है। क्या है ये? क्या ये मिठू की बच्चों वाली कोका कोला है विदाउट केमिकल। ये कंबुचा है, जैपनीज हेल्थ ड्रिंक, और ये मेंस हेल्थ ड्रिंक है। देखा इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या डाला है? वेजिटेबल्स हैं, फैटी है, और बंस अंदर सिक जाएंगे। ये हो गया है ऑलमोस्ट, एक्चुअली वेजिटेबल्स तो हो ही गए। इसको पलट दे टिक्की को। टिक्की तो अभी डाली है मैंने। आई थिंक वेजिटेबल आर रेडी ऑलमोस्ट। देखिए, ये वाले हो गए, ये भी हो गया है, ये हो गया है, ब्रोकली हो गई है। पैटी कैसे फैल गई है, अजीब सी। मिठू के पास जा रहा हूँ मैं, है ठीक है? गर्म है यार बहुत। अरे तो तो मैं अभी अपने गार्डन में खड़ी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा गार्डन है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है, आउटडोर सोफ़ा। तो इधर हम डे टाइम में या फिर शाम के टाइम हम बैठते हैं, इधर चाय वगैरह पीते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमने इधर लगाया हुआ है कॉर्नर में, तो बहुत ही क्यूट लगा इसलिए इसको हम लेकर आए। तो ये हमने साइड में रखा है और इधर ही ये एक प्लांट लगाया है। और ये हमने इधर लोटस रखा हुआ है, ऑल्दो ये जो फ्लावर्स हैं इसमें ये लोटस नहीं है, ये मेरी डॉटर ने यहाँ पे ऐसे ही फ्लावर्स डाल दिए थे। लेकिन ये इधर लोटस है और इसको ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अभी टाइम लगेगा इसको थोड़ा और ग्रो होने में, तो इसको हमने इधर रखा हुआ है। और ये जो ट्री है ये पहले से ही है, जब हमने घर लिया था तो ये तभी से ही था। और ट्रीज़ वगैरह मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने हटाए नहीं इसको, हमने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। और ये हमने इस साइड में मनी प्लांट लगाया हुआ है, जो कि ये आप देख रहे हैं। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं स्पेस, तो ये जब धीरे धीरे ग्रो होगा तो ये पूरा कवर हो जाएगा इसमें, तो इधर हमने इसको लगाया हुआ है। और ये हमने इधर इस साइड में ये फ्रॉग रखा हुआ है, जो कि कुछ सोच रहा है, तो हमको बहुत ही क्यूट लगा था ये, तो इसलिए हम इसको लेकर आए, इधर इसको रखा हुआ है। और ये हमने इधर रोज़ेस के लिए ये प्लांट लगाया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इधर सैंड के पैकेट हैं, तो मिठू को जब मन करता है तो वो इसमें से सैंड निकाल कर और खेलती है। और ये इधर हमने ये ट्री हाउस लगाया हुआ है। और इसमें भी हम लोग कभी कभी बैठ जाते हैं जब मौसम अच्छा होता है, इसमें दो तीन लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। और कभी भी मैं इसमें बैठ जाती हूँ, या कभी ऐसे बुक पढ़ना हुआ तो मैं बैठ जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है इसमें बैठकर। और दूसरी तरफ से मैं इसको दिखाती हूँ, तो ये है हमारा ट्री हाउस और इधर ही इसमें ये स्लाइड अटैच्ड है, तो बैठ जाओ नहीं तो झूला झूलो, तो जैसा मन करे। तो ये इस तरह से है यहाँ पर। Thank you.
और ये ट्री हाउस के इधर ही हमने ये कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये मीठू के खेलने का है कि सैंड में जब उसका मन है तो वो ये खेल लेती है। और इधर ही एक ट्री है और यहाँ पर हमने ये दो पैरट रखे हुए हैं। तो बेसिकली हमारा बस ये था कि गार्डन में ग्रीनरी है, साथ में थोड़ा सा कुछ कलरफुल भी हो तो अच्छा लगेगा देखने में। और एक ट्री ये इधर है और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये हमने बहुत छोटा सा ये बर्ड हाउस टांगा हुआ है और इधर ही हमने उसका खाना भी लटकाया साथ में। तो एक ही इस तरफ है और दूसरा वाला इस तरफ हमने लगाया हुआ है। और इधर ये स्टोर है पूरा और वो उधर बैक डोर था और ये मीठू है। और यहाँ पर हमने ये बर्ड हाउस रखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है साइज में तो इस तरह का है ये। और इसमें हमने उसका खाना लटकाया हुआ है और यहाँ पर उसके पीने के लिए पानी की कटोरी भी रखी है। तो इसमें बर्ड्स आती हैं, वो खाना खाती हैं, कुछ हमने ब्रेड वगैरह भी रखी हुई तो वो भी आकर खाती हैं वो। तो इस तरह से इसको यहाँ पर हमने रख दिया है। और ये दो प्लांट्स हमने जैसे इस तरफ लगाए हैं, सिमिलरली ये दो प्लांट्स हमने इधर लगा दिए हैं। और इधर जो आप देख रहे हैं साइड में, ये नीचे हमने कुछ फ्लावर्स वगैरह ये प्लांट्स लगाए हुए हैं। और इधर ये हमने कुछ प्लांट्स हैंग करे हैं और जो कि इनको हमने जिगजैग करके ऐसे ही लगा दिया है। इधर इस कॉर्नर में हमने ये मशरूम हाउस रखा हुआ है जो कि हमको बहुत क्यूट लगा था तो इधर हमने रख दिया है। तो और ये एक छोटा डक इसको रख दिया ऐसे। तो बेसिकली हम लोग चाहते थे कि ग्रीनरी हो, साथ में थोड़ा कलरफुल भी हो और खेलने के लिए भी जगह हो वहाँ पर, और बैठने के लिए भी ओवरऑल कम्फर्टेबल हो, स्पेशियस हो, बिल्कुल भरा भरा नहीं लगे। तो यही हमारा बस आइडिया था। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।